जनपद में प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शुक्रवार को प्लास्टिक के प्रयोग न करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन नगर निगम द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन द्वारा पिंक वुमेन मूवमेंट का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने बताया कि गोरखपुर में हम लोगों ने पिंक महिला मूवमेंट चालू किया है, जिससे महिला से संबंधित सैनिटरी नैपकिन बच्चों के डायपर का प्रयोग कर खुले में फेंक दिया जाता है, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा एक महिलाओं का समूह बनाया गया है जो घर घर जाकर प्रयोग करने के बाद सैनिटरी नैपकिन या बच्चों के डायपर को कलेक्ट करेंगी, जिससे आसपास किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा और इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और महिला कर्मचारी मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, घरेलू किचन का कूड़ा होता है, दूसरा जो जिसको हम सूखा बोलते हैं, तीसरा एक खतरनाक प्रकार का होता है जिसमें मुख्य तौर पे सैनिटरी नैपकिन और डायपर होता है। तो ये जो हमारी पिंक वुमेन है, ये गोरखपुर, इनका दायित्व तो ये है कि ये जो गुलाबी पिंक कलर का डस्टबिन है, यही लेकर के घर घर में जाएंगी और जो सैनिटरी नैपकिन होगा उसको कलेक्ट करेंगी। आदरणीय डीएम सर से निवेदन करूंगा कि सर इन लोग का अपने आशीर्वचन दें और इसको लॉन्चिंग करने का कष्ट करें सर। ये बहुत पुण्य के काम है, आज आज से प्रारंभ कराने जा रहे हैं, ताकि जो आप जानते हैं उन लोगों के घर पे भी माँ है, बहन है, बच्ची है, सबको ऐसे कोई चीज होता है जो प्रकृति में यहाँ एक तरफ से हम लोग उसको छुआछूत के तरफ से मानते हैं, ताकि ये हर महिला का, हर महीने का ये दिक्कत के बाद जो होता है महावरी, उसी के बाद जो उनके सैनिटरी नैपकिन और उसके अलावा जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आजकल तो गांव में भी प्रयोग करने के लिए शुरू कर दिए, जो डायपर, ये चीज क्या है, ये तो इतने हम लोग ज्ञान नहीं दिए हैं, ये इतने मात्रा में निकल गया है। अब जानते हैं तो आधी आबादी तो आजकल तो यूज करना शुरू कर दिए। मान लीजिए 7 करोड़ गोरखपुर का जनसंख्या है, उसमें मोटा मोटा 60 लाख है, तो 30 लाख जो महिला है, 30 लाख महिला है, उसके अलावा जो बच्चे के श्रेणी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मान लें तो 3 साल के नीचे बच्चे हैं, कैलकुलेट करके हम करेंगे तो तकरीबन 5 लाख का छोटे छोटे बच्चे इसका जो डायपर यूज करते हैं, उसके अलावा बुजुर्ग लोग भी डायपर यूज करते हैं। ये चीज ऐसे है, ये भी बायोडिग्रेडेबल श्रेणी में आती है, ताकि इस पे जो यूज करते हुए फाइबर है, प्लास्टिक है, ये इतने जल्दी सड़ता नहीं, बट हम लोग इसको भी फेंक देते हैं गाँव में और चोरी चुप करके जला देते हैं, जलाने में भी उसका प्रदूषण को बहुत नुकसान होती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज से ये पुण्य के काम आप चालू कर रहे हैं, घर घर जाकर के जो भी ये सैनिटरी नैपकिन और डायपर आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसे कैसे हम लोग इंसिनरेटर जरिए से कैसे डिस्पोज करना है, वो हम लोग उसका भी हर नगर निकाय में व्यवस्था करा लेंगे, इसका प्रचार प्रसार हो जाए, ताकि जो महिला केवल उसको कहीं नाली पे, कहीं कूड़ा पे ना फेंके, उसका अलग तरीके से छटवा करके हम दे दें, ताकि ये केवल एक डिस्पोजेबल चीज नहीं है, उसी पे अनेक बीमारी फैलाने के लिए भी आशंका रहता है। आज के काम आप कर रहे हैं, ये बहुत पुण्य के काम है, आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। जय हिंद। देखिए, गोरखपुर में हम लोग पिंक वुमन मूवमेंट एक चालू किए हैं, खासतौर पे जो महिला संबंधित जो कितने बायोडिग्रेडेबल डिस्चार्ज होता है, खासतौर पे मान लीजिए सैनिटरी नैपकिन है और जो बच्चे के नैपकिन होता है, जो डायपर होता है, उसी का है ना, हम लोग ऐसे मामूली तौर से फेंक देते हैं, नहीं तो जला देते हैं, तो दोनों तरह करना तो नुकसान है, ताकि उस पर भी फाइबर है, प्लास्टिक इत्यादि सड़ता नहीं, उसका अलग तरीके से इंसिनरेटर से करा करके ट्रीट करना होता, उसी के हम लोग नगर निकाय का जो महिला के एक झुंड बनाया है, उसके बाद फिर उन लोग घर घर भेज रहे हैं, ताकि इन लोग जो महिला का मान लीजिए महावारी के समय में जो नैपकिन होता है, यूज्ड नैपकिन, उसके बाद जो बच्चे का डायपर, यूज्ड डायपर होता है, उसके कलेक्ट करते हैं, उसी के बाद इंसिनरेटर के जरिए से उसको डिस्पोज करते हैं, उसी की वजह हम लोग प्रदूषण में सीधे सीधे जाने की वजह जो बीमारी फैलती है, साथ साथ ये चीज़ सड़ता भी नहीं है, दोनों चीज़ से हम लोग उभर सकते हैं, उसी का आज पहल की हम लोग।